डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट साइंस को। जैसा कि आपको पता होगा, नाइन्थ क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट में, वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए फ़िलहाल अभी हम लोग बायो के एक पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। बायो का मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी के एक पार्ट्स को देख रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट मीन्स सेल। सेल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, प्लाज्मा क्या होता है, उसका फिर हमें बायोयूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके आगे हम लोग उस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ की एनसीईआरटी बुक में बीच में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आप बीच में का जो क्वेश्चंस रहते हैं एनसीईआरटी के बुक्स में, चलिए उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, उनको भी उनका भी आंसर करते चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन लिखा जाए, हाउ डू सबस्टांस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CARBON, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल क्वेश्चन मार्क्स डिस्कस डिस्कस बोल रहा है। सवाल को समझिए पहले कि जो सबस्टांसेस हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे सबस्टांसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, ठीक है। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर वाटर हो, ये मूव कैसे करते हैं, यानी कि सेल में ये वाटर भी हम लोग पढ़े ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार कौन जा सकता है? वाटर, ठीक है। अब यही प्रक्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस भी पढ़ रहे थे कि ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अभी हम सवाल यही बोल रहे हैं कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों जो है सेल में कैसे इन होते हैं और कैसे आउट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। यानी कि हम लोग जानते ही हैं कि पूरे लाइफ का फंडामेंटल यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम होता है सेल, ठीक है। और इस सेल में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो उनके आउटर पार्ट को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं, ठीक है। अब वो रक्षा करने का काम तो करते ही है, लेकिन यहाँ पे हमें सवाल ये बोल रहा है कि आखिर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे इन आउट होता है, मतलब कैसे अंदर जाता है फिर बाहर आता है, आखिर ये प्रोसेस कैसे अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, फिर समझेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए आंसर लिखा जाए, पहला का आंसर है इफ द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज हायर then that inside the cell if their concentration level is low they move outside of the cell
देखिए इसका जो आंसर हम लोग लिखे, सवाल क्या था कि कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसी भी सेल में कैसे इन और कैसे आउट होता है, इसके बारे में आप डिस्कस करो। हम लोग तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, लो कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है। तो किसी में या किसी टाइम अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई हो गया, ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई हो गया तो ये का क्या करेगा, सेल में इन इन होगा, इन का मतलब अंदर। और कॉन्सेंट्रेशन जब लो होता है तो ये सेल से कहाँ जाएगा, आउटसाइड होगा। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होते हैं वो सेल में कैसे इन करते हैं और कैसे आउट होते हैं, तो इसका जवाब यही होगा कि जब व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि ये दोनों को कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर हाई होता है वो सेल में इन करेगा, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो करेगा वो आउट होगा। तो समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को कि सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं वो कैसे अंदर जाते हैं और फिर अंदर से कैसे बाहर निकलते हैं। तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन लेवल, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग भी आंसर वही लिखे हैं, इफ द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज हायर इज एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट इनसाइड, यानी कि इनसाइड हो जाते हैं, अंदर की ओर होते हैं सेल में। अगर यही द सेल एंड इनसाइड द सेल वाटर एंड CO2 मूव्स इनसाइड एंड द इफ इन केस इफ देयर कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज लो, लो होते हैं वो सेल से क्या हो जाएंगे, आउटसाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू लिखा जाए, बोलते हैं अगर जिसके पास बुक नहीं है तो, अगर आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया बात है। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। सवाल क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये सवाल है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर लिखेंगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज बिकॉज इट रेगुलेट्स का स्पेलिंग रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस, द मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सबस्टांसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। चलिए हम क्या बोले, पहला क्वेश्चन क्या था अच्छे से समझिए। पहला क्वेश्चन था ये कि किसी भी सेल में सबस्टांसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक सबस्टांसेस है जो हर किसी सेल में होता है, क्योंकि सेल का ग्रोथ के लिए भी तो कोई सबस्टांसेस ज़रूरी होनी चाहिए ना। तो सेल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जो इन एंड आउट होता है वो किसके किसके वजह से होता है,
तो वो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन लेवल से। जैसा कि जानते हैं आप, अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर का अगर हाई होता है, वो सेल के इनसाइड होता है, जैसे कि ये चीज़ देख रहे हैं ना, सेल के इनसाइड। लेकिन अगर वो लो लेवल हुआ, वो सेल के कहाँ हो गया, आउटसाइड हो गया, राइट। अब सवाल ये बोला क्वेश्चन नंबर 2 में कि आखिर किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं भाई। तो इसका कारण यही है, हम लोग किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी सबस्टांसेस सेल के अंदर भी होते हैं एंड बाहर भी मूव करते हैं। यानी कि जो सबस्टांसेस का मूवमेंट होता है ना, वो इन एंड आउट दोनों तरफ हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यही बोलेंगे कि इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल के इनसाइड या आउटसाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके एनसीईआरटी के। चलिए हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। दो ही क्वेश्चन था यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे सेल वाल के बारे में। तो टॉपिक दीजिए सेल वाल, ठीक है। चलिए अब सेल वाल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि जानते हैं सेल लिखा हुआ है, सेल का मतलब क्या, सेल का मतलब कि पूरा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट पूरे लाइफ का ना। और वाल का मतलब जानते हैं ना, दीवार, यानी कि सेल का जो कि सबसे छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है, इतना छोटा से छोटा छोटा से छोटा मिलकर एक पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो सेल वाल के बारे में हम लोग पढ़ें, तो सेल वाल के बारे में हम लोग सीखते हैं। फिलहाल इसके बीच में फर्स्ट एरो देंगे, इसके नीचे लिखेंगे द सेल वाल लाइज, द सेल वाल लाइज आउटर साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मान लिया कि एक सेल है, ठीक है। सेल के आउटर साइड को हम लोग बोलते हैं, सेल के जब सबसे बाहरी वाली परत होती है उसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाहर वाले यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है सेल वाल। सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड को कहते हैं, और सेल के आउटर साइड को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड को कहते हैं हम लोग सेल वाल, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये अगर बात बोला जा रहा है कि सेल वाल लाइज आउटर साइड, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड को हम लोग बोलते हैं सेल मेम सॉरी सेल वाल, ठीक है। फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए द प्लांट सेल वाल इज, द प्लांट सेल वाल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलेज, सेलुलोज, सेलुलोज का स्पेलिंग सेलुलोज, ठीक है। क्या लिखे अभी इस बार कि प्लांट सेल वाल को हम लोग सेलुलोज बोलते हैं, यानी कि जो प्लांट में यानी कि पौधे में जो सेल वाल होते हैं वो किसके किससे कंपोज्ड होते हैं, तो सेलुलोज से कंपोज्ड होते हैं। यानी कि प्लांट का जो सेल वाल होते हैं वो किसका बना हुआ होता है, तो सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। मेनली कंपोज्ड बाय ऑफ सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज हम लोग, सेलुलोज का मीनिंग क्या है, तो सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। जैसे कि हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब ग्लूकोज हम लोग को मिलता है तो हमें एनर्जी प्राप्त होता है, उसी तरीके से सेलुलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चर, ठीक है। कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका डाली कैसे निकलेगा, उसका पत्ता कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो सेलुलोज ही डिसाइड करता है कि प्लांट में स्ट्रक्चरल ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए उसके नीचे एरो देंगे, थर्ड एरो, लिखा जाए सेलुलोज इज ए
कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट यानी कि जो सेलुलोज होता है वो सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है एंड प्रोवाइड्स, और प्रोवाइड्स करता है क्या, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी कि किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ किसी भी प्लांट्स का प्रोवाइड करता है, ठीक है ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल लाइज आउटर साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल जो है वो आउटर साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर साइड होता है, ठीक है, यानी कि आउटर साइड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर सेल होता है। और किसी भी प्लांट सेल में जो सेल वॉल मौजूद होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, वो सेलुलोज के द्वारा बनते हैं बोल सकते हैं, या कंपोज किया जाता है उनका। तो सेलुलोज और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। उसके बाद नोट में करके कुछ चीज लिखेंगे, नोट में लिखा जाए, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर, प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देन इट इज श्रिंकेज SHRINGKAGE श्रिंकेज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्टेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिम। अब हम लोग समझेंगे कि प्लाज्मोलाइसिम या प्लाज्मोलाइसिस है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो जब किसी भी लिविंग प्लांट के सेल लूज करते हैं वाटर को, जैसे मान लिया कि एक प्लांट है, अब प्लांट का जो एक सेल है वो वाटर को क्या कर रहा है, वाटर को लूज कर रहा है। तो जब वो वाटर को लूज करता है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है ना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है क्योंकि वाटर लूज कर रहा है। तो हम ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, तो ऑस्मोसिस के द्वारा, क्योंकि ऑस्मोसिस में हम लोग जानते हैं कि वाटर का गेन या लूज होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी सेल में पाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिखे नोट में करके लिखे कि जब कोई भी प्लांट सेल का वाटर लूज होता है,
ऑस्मोसिस के थ्रू देन ये श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ जाना। जैसे मान लिया कि ये सर्किल है और सर्किल जो है श्रिंकेज होगा, तो ऐसे ऐसे श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ जाना, ऐसे हो जाना, सिकुड़ जाना। तो जब वाटर लूज करता है तो उसमें क्या हो जाता है, श्रिंकिंग हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन उसका सेल का अवे फ्रॉम द वाल, यानी कि सेल वाल से दूर चला जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वाटर को क्या किया रहता है, लूज किया हुआ रहता है। तो ये इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ये देखिए प्लाज्मोलाइसिस। तो आज हम लोग पढ़े कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सेल वाल क्या होता है। तो सेल वाल के बारे में बिल्कुल याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को किए, और आज हम लोग सेल वाल के साथ साथ प्लाज्मोलाइसिस को भी पढ़ा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।